हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही आसान है और सिंपल है। तो चलिए बनाते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप मोटी शुगर चीनी ली है, जिसको मैं ग्राइंड करके पाउडर बना रही हूँ। और 3 आम लिया है, जिसको छील के इसके पल्प निकाल लिए हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, पेस्ट तैयार हो चुका है इसका। यहाँ पे मैंने 1 कप हेवी व्हिप्ड क्रीम लिया है, जिसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। 1 मिनट से भी कम समय आपको लगेगा, बहुत टाइम की बचत होती है और हाथों की जो मेहनत है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, ये रेडी है। कितने अच्छे से हो चुका है ये रेडी, क्रीम बन चुकी है। अब हम इसको जिस भी बाउल में आप इस आइसक्रीम जमाएं, उसी में डायरेक्ट निकालें। ये निकाल लेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे जो पाउडर शुगर मैंने तैयार किया था वो ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल जो हम खाने का चम्मच यूज करते हैं उसी से मैंने इसमें ऐड किया है चीनी। टोटल 4 चम्मच यहाँ पे डाला है मैंने। अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेंगे। एक कप में 4 चम्मच, बहुत ही बैलेंस में रहेगा आपका चीनी का जो मिठास है, इसकी जो मिठास है बहुत ही बैलेंस में रहेगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है इसका मीठापन। अब मैं यहाँ पे मैंगो पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि 9 स्पून मैंने ऐड किया है। 9 स्पून में अच्छा फ्लेवर आएगा आपका मैंगो का। क्रीम, चीनी और मैंगो का परफेक्ट बैलेंस बैठेगा। मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको ढक करके हम डीप फ्रीजर में से लेन कर लें और डीप फ्रीजर में हम इसको 6 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, 6 घंटे बाद आइसक्रीम रेडी है खाने के लिए, सर्व करने के लिए। ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाए और खाए। और इसी आइसक्रीम को आप एक तरह से और सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास कुल्फी मॉल थी, उसमें मैंने फिल कर दिया है। अब फिल करके इसको भी 6 घंटे के लिए डीप फ्रीजर किया है, डीप फ्रीजर करके। और ये मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप्स थे जो बच्चों को खुश करने के लिए, इसको मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया है। देखिए, 6 घंटे बाद ये जम चुकी है। इसको ऐसे गिलास में रख लेंगे, जो चॉकलेट हमने मेल्ट की है, और ऐसे डिप करके 1 मिनट तक आप हाथ में ही पकड़ के रखेंगे, तो ये इतनी ठंडी है तो चॉकलेट पूरी तरह जम जाएगी। बस 1 मिनट के लिए।
ये देखिए चॉकलेट और मैंगो आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। इसमें आप नई तरह की डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मैंने एक और डिज़ाइन दिया है इसमें ऐसी सिंपल में, ये देखिए इस तरीके से। और ये फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में मैंने आधे घंटे के लिए रखा है। ये देखिए बनके रेडी है। बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं और होममेड आइसक्रीम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग के लिए।